बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी, सेंचुरी प्रेस एंड पब्लिशर्स में खुशामदी। प्यारे बच्चों, हम हरूफ तहजीब पढ़ रहे हैं और आज हम हे की आवाज़ भी सीखेंगे, उसका नाम भी सीखेंगे, उसकी शक्ल की पहचान करेंगे। जी हाँ, हम उसकी बड़ी और छोटी दोनों अशकाल की पहचान करते हुए उसे लिखना भी सीखेंगे। आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं एक बहुत ही अच्छी बात से जो आपके बहुत काम आने वाली है। जी हाँ, हमें अपने खिलौनों को हमेशा महफूज रखना चाहिए। हम कैसे महफूज रख सकते हैं? जी हम उसके लिए अपना एक डिब्बा बना सकते हैं। उस डिब्बे में हम अपने सारे खिलौने रख सकते हैं या फिर हम उसको अलमारी में भी रख सकते हैं, ताकि हमारे खिलौने हमेशा महफूज रहें और हम उनके साथ हमेशा खेलते रहें। थी ना अच्छी बात? चलें आए चलते हैं अपने सबक की तरफ। मैं आपको दिखाऊंगी कुछ तस्वीरें, आपने उन तस्वीरों को गौर से देखना है और मुझे बताना है उनके नाम क्या हैं। जी मुझे बताइएगा, ये क्या हो रहा है? ये कौन है? ये तो कोई बाल काट रहा है। और एक शख्स चेयर पर बैठा हुआ है जिसके बाल काटे जा रहे हैं। जी इसे हजाम कहते हैं। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताओ, ये तो बहुत ही मज़ेदार कोई चीज़ है, ये क्या है? ये है हलवा, मीठा मीठा हलवा। और ये क्या कर रहे हैं जनाब? जी ये हलवाई है और हलवाई कढ़ाई में कुछ तल रहा है। मेरा ख्याल है ये हमारे लिए समोसे बना रहा है या फिर जलेबियाँ बना रहा है। आप सबको पसंद है ना जलेबी और समोसा भी? अच्छा मुझे ये बताओ, ये क्या है? बहुत प्यारी जगह है। ये तो हौज है। वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। अच्छा मुझे ये बताओ ज़रा, ये क्या है? हमें इसकी पहचान तो पहले से ही थी थोड़ी बहुत। जी ये हे है। और आपको पता है हे की आवाज़ क्या होती है? हे की आवाज़ क्या होती है? हे की आवाज़ होती है सांस बाहर की तरफ फेंकना होता है। जी तो ये हे है और ये हे की आवाज़ है। अब हम नाम और आवाज़ के साथ सारी तस्वीरों के नाम पढ़ते हैं। चले मिलके पढ़ें। हे हजाम, हे हलवा, हे हलवाई, हे हौज। वेरी गुड। जरा तेज़ तेज़ पढ़ते हैं। हे हलवाई, हे हलवा, हे हजाम, हे हॉल। अच्छा ये जो हे है आपको इस पेज के ऊपर कितनी मरतबा नज़र आ रहा है? ज़रा देखते हैं। हजाम का पहला हर्फ हे है। वेरी गुड। हलवे का पहला हर्फ हे है। हलवाई का पहला हर्फ हे है। हॉल्स का पहला हर्फ हे है। वेरी गुड। अब हम इस आवाज़ को जितनी मरतबा यहाँ पर हे है रिपीट करेंगे और मुझे सब बच्चों की सही आवाज़ आनी चाहिए। वेरी गुड। अच्छा ज़रा मुझे बताओ, किस किस को ये हे लिखना आता है? और ये छोटी शक्ल किस किस को लिखनी आती है? नहीं आती। चले आए, मैं आपको सिखाती हूँ हे कैसे लिखते हैं। प्यारे बच्चों, आपने यहाँ से नीचे की तरफ से थोड़ा सा ऊपर कर्व लेना है और सीधी लेटी हुई लाइन लगाते हुए नीचे एक बड़ा सा पेट बना देना है। ये क्या लिखा है? हे। अब मैं आपको इसकी छोटी शक्ल से पहचान करवाती हूँ। ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ सीधी लेटी हुई लाइन और ये छोटा सा पेट नहीं बनाएंगे बल्कि नीचे थोड़ा सा लेके आएंगे। ये है हे की छोटी शक्ल। अब हमें
हे की बड़ी शक्ल और हे की छोटी शक्ल की पहचान हो चुकी है। अब हम इसको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। हवा में भी लिखेंगे, अपनी कलाई पे भी लिखेंगे, अपने टेबल पे लिखेंगे। था ना आज मज़े का सबक? तो इस सबक में हमने आज हे की आवाज़ को भी सीखा, उसकी पहचान भी की, उसका नाम भी सीखा और बहुत सारे ढेरों ढेर अल्फाज भी सीखे जो हे से बनते थे। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने के लिए और जानने के लिए हमारे साथ रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।